हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ वंदना। आई होप यू ऑल गाइस डूइंग वेल। सो आई एम रियली सॉरी, मैं काफ़ी दिनों बाद अपडेट लेकर आई हूँ क्योंकि कुछ बिजी चल रही थी, नवरात्रों की वजह से जा नहीं पाई मैं। बट अब मैं आ चुकी हूँ और आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। इसमें बहुत प्यारे प्यारे बैग्स के कलेक्शन मैंने शो किया है, साथ ही में ना फेस्टिवल वेयर की जितने भी ड्रेसेस होती है ना, आपको सरोजनी में बहुत आसानी से बहुत कम रेट में मिल जाएगी। ये 10-10 रुपये के थे। ओके, अभी बैग्स क्लचेस वगैरह भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और बजट में आप एथनिक वेयर की शॉपिंग कर पाएंगे और साथ में ना ज्वेलरी भी आप अपने मतलब पूरा सेट ले सकते हैं। मतलब कि फेस्टिवल में आपको ड्रेसेस के साथ ज्वेलरी, क्लचेस, बैग्स, सब चीज़ मिलने वाला है। तो वैसे तो सरोजनी नगर में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, एथनिक वेयर भी देखा होगा, बट मैंने ये वाली वीडियो जो है स्पेशल एथनिक वेयर के ऊपर बनाई है, जिसमें सारे सूट, प्लाजो, कुर्ती और साथ में बहुत प्यारे प्यारे बैग्स, इयररिंग्स और ऑक्साइड ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें मैंने कवर की है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आने वाले फेस्टिवल्स के लिए, जो भी फेस्टिवल्स आप सेलिब्रेट करते हैं या फिर जो भी फेस्टिवल्स आप मनाना चाहते हैं, तो आप इन ड्रेसेस के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे और बहुत बजट में यहाँ से शॉपिंग करके जाएंगे। तो हम वीडियो को बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि हम ना इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, जैसे कि इस तरीके की रिंग्स, आप देखिए बहुत सारी रिंग्स हैं, इस तरीके की ज्वेलरी आपको मिल जाएगी और ये वाले इयररिंग्स तो बहुत ही ऑसम लगते हैं। किसी भी सिंपल कुर्ते पर आप इस इयररिंग्स को पहन लीजिए तो बहुत अच्छा सा लुक आ जाता है। यहाँ पर रस इतना ज़्यादा था कि लोग साइड भी नहीं दे रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरीके की ज्वेलरी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टन सो मैं अब जा रही हूँ मार्केट में और मेट्रो से एग्जिट करने के बाद मैंने गेट से एंटर किया है और एंटर करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट वाली शॉप है ना, उसके पास गई मैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। सारे लोग यहाँ पे ज्वेलरी ले रहे थे क्योंकि यहाँ पे ना अच्छी अच्छी ज्वेलरीज थी, जैसे कि नेक का पीस बहुत प्यारा प्यारा यहाँ पे रखा हुआ था। साथ में ना जो चोकर टाइप की ज्वेलरी आती है ना, वो एक डब्बे में इनके पास थी और जो उसका रेट इन्होंने प्राइस कोट किया था ना, 50 रुपये कोट किया था। साथ में इनके पास चूड़ा वगैरह भी था और इस तरीके के नेक पीसेस भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके की आपको यहाँ पे पूरे बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा रस था, तो मैंने सोचा कि चलो आगे मूव ऑन करते हैं। और यहाँ पे इस तरीके की आपको ऑक्साइड ज्वेलरी मिल जाएगी, जैसे कि ये रिंग आप देख रहे हैं, ये कितना प्यारा लग रहा है ना। इस तरीके की रिंग्स आपको बहुत ज़्यादा भर भर के मिलेंगे और उसका जो प्राइस था वो सिर्फ 50 रुपीज़ था। और साथ में इस तरीके की रिंग भी आपको मिल जाएंगे और ये आप देख सकते हैं हाथों में पहनने के लिए, काफ़ी सारे लोग इसे वेयर करते हैं अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इस तरीके की ना आपको ज्वेलरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा सरोजनी में देखने को मिल जाएगी। ये भी उसी लेन में है जो गेट से एंटर करने के बाद सेकेंड नंबर की शॉप है ये वाली, और इनके पास इस तरीके की ऑक्साइड में आपको ज्वेलरी मिल जाएंगी। इयररिंग्स देखिए, इयररिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, इनके पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा मुझे लगा इयररिंग्स का। और यहाँ पे ना इस तरीके की ज्वेलरी आपको 150 रुपये में मिल जाती है, 100 रुपये की भी मिलती है, 50 की भी मिलती है और 30 रुपये की भी मिलती है। जो बड़े बड़े झुमके होते हैं ना, वो 100 रुपये इसका प्राइस कोट करते हैं और जो छोटे साइज़ के झुमके होते हैं आपको 50 रुपये में, उससे भी जो छोटे साइज़ के झुमके होते हैं ना उनका प्राइस 30 रुपये में मिल जाता है। यानी 30 रुपये में आपको अच्छी से अच्छी ज्वेलरी मिल जाएगी, लेकिन जो बड़े बड़े झुमके आते हैं ऑक्साइड वाले, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं, तो वो 100 रुपये के आते हैं। वो किसी भी शॉप पर अगर आप पूछते ना तो वो 100 रुपीज़ ही हर कोई प्राइस कोट करता है। साथ में ना ये वाले आपको ज्वेलरी मिल जाएगी जो पैकेट के अंदर होती है, नगो वाली, इसमें मंगलसूत्र, इयररिंग्स वगैरह सब होती हैं और इनके प्राइजेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब मैंने आगे मूव ऑन किया और उनकी शॉप के जस्ट फ्रंट वाली शॉप पे ये वाली शॉप है और यहाँ पे इस तरीके के कुर्ते मिल रहे थे। ये काफ़ी ज़्यादा चले हुए हैं और आपने किसी न किसी को वेयर करते हुए देखा भी होगा और एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा जो है ये अच्छे भी लगते हैं। इसमें ब्लैक वाला काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, ज़्यादातर लोग ब्लैक चूज़ करते हैं। इसके अलावा आप रेड ले सकते हैं या फिर येल्लो वाला भी अच्छा लग रहा है। तो ऑलमोस्ट सारे कलर अच्छे हैं इसमें और इनके पास लॉन्ग के साथ साथ ना इस तरीके के शॉर्ट में भी हैं। आप ये देखिए, ये शॉर्ट में भी आपको इनके पास मिल जाएंगे और शॉर्ट वाले भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। तो इनके पास ये वाले जो
जॉर्जेट के मटेरियल के अलावा दूसरी मटेरियल में भी आपको मिलेगा, शॉर्ट वाला, लॉन्ग वाला नहीं, लॉन्ग वाला तो उनके पास वही मटेरियल में था बट शॉर्ट वाले का दूसरे मटेरियल में भी था। और जो इसका प्राइस था, फिक्स प्राइस था 650 रुपीज़, जैसा कि आपने बोर्ड के ऊपर भी देखा होगा। और इनके जस्ट साइड में आपको इस तरीके की शॉप मिल जाएगी, और यहाँ पे इनके पास बहुत सारे आपको ना चुन्नियों का कलेक्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे चुन्नियों का प्राइस अलग अलग होता है, हाई टू लो प्राइस आपको मिल जाएगा, 100, 200, 300, 400 जैसे चुन्नी लेते हैं उस तरीके के प्राइजेस आपको मिलेंगे। यहाँ पे सरोजनी में इस तरीके की ड्रेसेस भी आपको मिलेगी, और इन तरीके की जो ड्रेसेस हैं इनका जो प्राइस ये कोट करते हैं 1600 रुपये, 1500 रुपये, 1400 रुपये, इस तरीके से ये प्राइस कोट करते हैं। इसके अलावा स्टॉल पर तो आपको 50-50 वाले काफ़ी सारे टॉप वगैरह भी मिल जाते हैं। तो ये जस्ट इस सूट के जस्ट फ्रंट पर ही ये 50-50 रुपये वाले भी जो है टी शर्ट टॉप वगैरह दे रहे थे, तो मैंने कवर कर लिया। आगे मूव ऑन करते वक्त ना मेरे को इस तरीके की ज्वेलरी दिखी, और लिटरली इनके पास बहुत प्यारे प्यारे इयररिंग्स के कलेक्शंस थे, आप देख सकते हैं। और इसका जो प्राइस था वो भी बहुत रीजनेबल था, सिर्फ 30 रुपीज़ का था, 30 रुपये में कोई सा भी आप लीजिए, आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये। तो ये ना वेस्टर्न वेयर पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस तरीके की ज्वेलरी, आप देख सकते हैं एक अच्छा सा लुक क्रिएट होता है इस तरीके की ज्वेलरी से। साथ में आप एथनिक वेयर की ज्वेलरी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप ये देख रहे हैं छोटी छोटी इयररिंग्स जो दिख रहे हैं, ज़्यादा छोटी नहीं है, नॉर्मल साइज़ है, ठीक है, और प्यारे प्यारे कलेक्शन, सिर्फ 30-30 रुपये का दे रहे थे, 30 रुपये में और क्या ही लेंगे हम। और इनके आगे जस्ट पेड़ के नीचे वाली लाइन में ना ये वाले भैया बैठे हुए थे, और इनके पास इस तरीके की बहुत सारी बॉक्सेस मिल रहे थे, ये 100 के 50 के बॉक्सेस दे रहे थे, और इसमें ना 3 का सेट था, 3-3 बॉक्सेस थे। इसे जब ओपन करेंगे ना तो इसमें एक छोटा और उससे भी एक छोटा इस तरीके के 3-3 का सेट था, बड़े वाले में नहीं थे, बड़े वाले बॉक्स खाली थे जो बड़े वाला मैंने उठाया, बाकी छोटे वाले जो थे ना इसमें 3-3 का सेट था। साथ में इस तरीके के मिरर भी आपको मिलेंगे, ये वाले मिरर ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत क्यूट से लगते हैं, तो ट्रैवल वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं ये वाले मिरर, और इनका लुक भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा होता है। तो इस तरीके के मिरर वगैरह भी आप ले सकते हैं, बाकी ये प्राइस वगैरह कोट करते हैं जो भी, आप बार्गनिंग कर सकते हैं, कोई फिक्स प्राइस की शॉप नहीं होती है। ये वाले रिंग ये 50-50 रुपये के दे रहे थे, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की रिंग यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं 50-50 रुपीज़ में, और एक रॉयल सा लुक क्रिएट कर देते हैं। कोई कुर्ता पहनते हैं सिंपल, या कॉटन वाले कुर्ते जो हम लोग पहनते हैं ब्लैक में, या प्रिंटेड जो आजकल चल रहे हैं उस पे ना ये वाले जो है रिंग वगैरह जाते हैं, और काफ़ी प्यारा सा लुक जो है देते हैं। तो साइज जो है ऑलमोस्ट आपको सब मिलेंगे, बड़ा साइज अगर आप पसंद करते हैं तो बड़ा, छोटा, सारे साइज़ मिलेंगे। साथ में आपको यहाँ पर ज्वेलरी, बैंगल्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इनके पास एक ही शॉप पे ऑलमोस्ट सारे आइटम्स अवेलेबल थे। इनके जस्ट पीछे एक आंटी बैठे हुए थे, वो भी इन्हीं की शॉप थी, ये वाला पेड़ है ना इनके जस्ट नीचे ये लोग बैठे हुए हैं, उनके पास भी जो नेकलेस का ना बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था। मैंने दूसरी शॉप पे मूव ऑन किया, और इनके पास कुर्तों के बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शंस थे। 350 की सेल लगा रखे थे इन्होंने कुर्तों के, बट 350 रुपीज़ के जो कुर्ते थे ना गाइज, वो नीचे वाले ही कुर्ते थे, जो ऊपर आप कुर्ते देख रहे हैं ना ऊपर वाली लाइन में जो कुर्ते मैंने आपको शो किए वो 350 रुपीज़ का नहीं है, उन सबका प्राइजेज अलग अलग है, 1650, 1450, 1550 सबके प्राइजेज अलग हैं। जो नीचे 1-1 कुर्ते लगा रखे हैं ना उनका प्राइस उन्होंने 350 रुपीज़ कोट किया। उन्हीं कुर्ते वाले भैया के पास ना इस तरीके के ओवर साइज टी शर्ट्स जो बहुत ज़्यादा चल रही हैं वो आपको मिल जाएंगी ग्राफिक प्रिंट में, आप देख सकते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ बॉथ दोनों के मिल जाएंगे। और कुछ कुछ टी शर्ट्स ऐसी हैं जो यूनिसेक्स हैं, यानी गर्ल्स बॉयज़ कोई भी पहन सकता है, तो वो भी इन्हीं की शॉप पे आपको मिल जाएगी। शॉप के बाहर से मैं इनका बोर्ड भी आपको शो कर दूंगी, जो पेड़ के नीचे वाले ज्वेलरी वाले भैया बैठे थे उनके जस्ट फ्रंट वाली शॉप है ये, ओके। और इनके पास इस तरीके की टी शर्ट्स मिल जाएंगी। टी शर्ट्स मैं इसलिए शो कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर, वैसे मैं अलग से पार्ट लेकर आऊँगी वीडियो का जिसमें सारी चीज़ें शो करूँगी, बट इसमें ना जो भैया सूट वाला कुर्ते वाले भैया है ना उनके जस्ट फ्रंट पे ही था ये, क्योंकि सूट कुर्ते वाले के पास बहुत रस था, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है तो हर किसी को कुर्ता चाहिए, सूट चाहिए, मटेरियल चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके के रेड वाले पीसीस भी देख सकते हैं इसके फ्रंट पे, ये जो ग्रीन वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था।
तो इनके पास सूट वगैरह के कलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे थे। अगर आप वन बाय वन करके निकलवाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये इनकी शॉप का नाम है, आप देख सकते हैं, और ये इनकी शॉप है। मैंने ना आगे एक ऐसे शॉप पे मूव ऑन किया जिनके पास बैग्स के बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शंस थे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इनके बैग्स के कलेक्शन। ये तो वैसे मैं शॉप से बाहर जाते वक्त मैं लोकेशन आपको दिखा रही थी कि वो जो सोनू गुप्ता है उनके फ्रंट वाली ये वाली शॉप है। अब इस शॉप के ना अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है इनकी शॉप पे। और लिटरली कलेक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगे, प्राइस भी रीजनेबल लगा। जैसे कि ये बाहर की तरफ जो शॉप लगाया है 350 की सेल लगा रखी थी, और इस तरीके के ना बैग्स आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छे बैग्स हैं। मतलब पैटर्न डिज़ाइन इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये वाला बैग देखिए बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था वीडियो में, इतना अच्छा वीडियो में भी अच्छा आया है ये, बट रियल में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा था, और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे। मतलब होता है ना कि हाँ, हमारे कलेक्शन में एक बैग तो एटलीस्ट इस तरीके का होना चाहिए, या फिर कोई नए पैटर्न का होना चाहिए, तो ये वो वाला बैग बोल सकते हैं, क्योंकि 350 रुपीज़ रीजनेबल प्राइस है। तो आप 350 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके के बैग्स आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अंदर की तरफ बहुत अच्छे अच्छे ट्रेंडी बैग्स, जो ब्रांडेड बैग्स की कॉपी बोल सकते हैं आप, या फिर आप डुप्लीकेट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो सारे बैग्स मैं आपको शो करने वाली हूँ। साथ में बहुत अच्छे अच्छे पार्टी वेयर क्लचेस वगैरह शो करने वाली हूँ। फेस्टिवल पार्टी वेयर वेडिंग के लिए जो क्लचेस होती हैं वो सारे, ये ब्लैक वाला बैग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मेकअप वगैरह के लिए मतलब बहुत अच्छा होगा ये। और इस तरीके की क्लचेस आपको मिल जाएंगे, आप ये देख सकते हैं ब्लैक वाला क्लचेस, ये पर्ल वाला, ये ब्लू वन बहुत क्लासिक है। इसके अलावा ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसमें पूरे धागे का वर्क है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये ओपन होगा, और क्योंकि मेरे हाथ में सामान था तो मैंने ओपन नहीं किया। तो इस तरीके की आपको क्लचेस मिल जाएंगे बहुत आसानी से इनकी शॉप पे। इनकी शॉप का नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, तो वहाँ से आप शॉप नंबर वगैरह देख सकते हैं। जो भी शॉप नंबर मेरे पास अवेलेबल होगी जो इन्होंने बताई है जिस भी वीडियो का, तो सबके शॉप नंबर मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। प्राइजेज़ वगैरह भी मैं स्क्रीन पर शो कर दूँगी जो एग्जैक्ट प्राइजेज़ होंगे। वैसे शॉप पर जो जो प्राइज़ है ना प्रोडक्ट्स के, सारे इन्होंने डिस्प्ले पर लगा रखा है, जिस भी डिस्प्ले पे आप देखेंगे। जैसे कि ये 600 रुपीज़ इन्होंने फिक्स प्राइस लगा रखा है, नो बार्गनिंग, यहाँ पे बार्गनिंग आप नहीं कर सकते, फिक्स प्राइस इन्होंने लगा रखा है। बट 600 रुपीज़ बहुत रीजनेबल है, क्योंकि बैग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लिटरली कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये वाइट वाला पीस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके अलावा इनके पास इस लेन में जितने भी बैग्स थे ना, सबके कलेक्शन बहुत वाव टाइप के थे, और आपको बस सिलेक्ट करना है कौन सा कलेक्शन आपको चाहिए और आप उसे अपने कलेक्शन में ऐड ऑन कर सकते हैं। और काफ़ी रश था इनके शॉप पे, काफ़ी सारे लोग यहाँ से बैग्स वगैरह देख रहे थे, तो देखने में कोई भी टैक्स नहीं है, कोई भी ये नहीं कि आप मत देखिए कि शॉप है फिक्स प्राइस है तो हमें नहीं देखना है, आप देख लीजिए, हो सकता है कि आपको रीजनेबल लगे प्राइस और आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए। तो इस तरीके के बैग्स भी आपको यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये थोड़ा साइनी सा था, तो थोड़ा साइनी वाला मुझे थोड़ा कम पसंद आता है, अगर आपको पसंद आता है तो आप देख सकते हैं। थोड़ा जो मैट फिनिश में होता है ना, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा इनके पास जो और भी बैग्स क्लचेस इस तरीके के आपको मिल जाएंगे, पोटली वाले बैग, सारे बैग्स ऑलमोस्ट इनकी शॉप पे हैं। ये देखिए इधर की तरफ ये वाला जो मैंने जूम किया ना, ये वाला जो प्राइस है ना वो ऊपर आप देख सकते हैं 1000 रुपीज़ की रेंज में है, तो वो अलग ही है। उनका मटेरियल वगैरह अलग आपको मिलेगा, उसमें पैटर्न डिज़ाइन सारे अलग मिलेंगे, बट कलेक्शन सारे यूनिक और ट्रेंडी हैं इनके पास। तो ये ऑल ओवर जो है ये बैग्स का पूरा कलेक्शन है, आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा इसकी इनके फ्रंट पे भी बहुत सारे बैग्स लगा रखे हैं, तो लो प्राइस से हाई प्राइस तक ऑलमोस्ट सारे आपको बैग्स यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि 300 साढ़े 300 से 1000 तक के बैग्स आपको इनकी शॉप पे मिल जाएंगे। बाकी बार्गनिंग इन्होंने मना कर रखा है, बार्गनिंग नहीं होती। बाकी मैंने बार्गनिंग के बारे में पूछा नहीं, जब लिखाई है तो फिर हम क्या ही पूछेंगे कि बार्गनिंग होगी या नहीं। और वैसे भी मैं कोई बैग सिलेक्ट नहीं कर रही थी, बैग सिलेक्ट करती तो मैं इस बात का आइडिया देती। और यहाँ पर कोई ये वाला बैग ले रहा था, और ये मैंने बोला एक बार दिखाते हैं देखते हैं, तो अच्छा था ये पीस, वाइट कलर में पहले भी मैंने देखा था। तो बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन से एक बार आप विज़िट कर सकते हैं।
इसके अलावा ये वाली लेन आपने देखी होगी, बहुत बड़ी सी लेन है ये, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है। इस पेड़ के जस्ट नीचे, पीपल का पेड़ के जस्ट नीचे ये वाले आपको कलेक्शन मिल जाएगा एथनिक का, और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये हर टाइम यहीं पे लगाते हैं और एथनिक कलेक्शन ही यहाँ पे मिलता है। कुर्ते वगैरह जो 300-350 की मिलते हैं ना वो, और उनके साथ ये वाले पीसेस जो 650-1500 इस तरीके की रेंज में आपको मिलेगा। तो सारे सूट के प्राइजेज ना यहाँ पे आपको अलग अलग मिलेंगे, हर तरीके के सूट मिलेंगे और हर तरीके का प्राइस भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा आपको इस तरीके के ब्लाउजेज भी यहाँ पे मिल जाएंगे, आगे वाले ब्लाउजेज जैसे कि 250 की रेंज में, पीछे वाले ब्लाउजेज 300-350 की रेंज में मिलेंगे। जाते जाते मैंने ये कवर किया, मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करने के जस्ट बाद ही ये वॉशरूम है, वहीं पे बैठे हुए थे और ये लिटरली 10-10 रुपए का बेच रहे थे। तो ये थी आज की वीडियो, सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए, और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।